हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे मैं फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ज्ञान गुरु एकेडमी चैनल के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सब्जेक्ट, जो भी आपके साइंस के सब्जेक्ट हैं, मैथ के सब्जेक्ट हैं, वो सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो आज के दिन कक्षा 10 की यानी क्लास 12 का अध्याय नंबर 6 जैव प्रक्रम, जो बायोलॉजी का चैप्टर बच्चों, वो शुरू किया जाएगा। और जैव प्रक्रम के बाद जो अगला टॉपिक है वो भी पढ़ाया जाएगा। तो आइए देर न करते हुए आपका जो अध्याय नंबर 6 जो जैव प्रक्रम है उसको शुरू करते हैं। बच्चों, जैव प्रक्रम हम कहते किसको हैं, इसकी डिफिनेशन हम बताते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, किसके मेंटेनेंस की बात चली है, तो यहाँ पे अपने शरीर की मेंटेनेंस के बारे में बात चल रही है। और जैव प्रक्रम में जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उनके प्रक्रम की बात चल रही है। तो लिखिएगा, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का काम करते हैं, उनकी देखभाल का काम करते हैं, वह संयुक्त रूप से क्या करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यही हमारी आज की जैव प्रक्रम की डिफिनेशन है कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो जैव प्रक्रम अकेले तो कोई प्रक्रिया हो नहीं सकती। जैसे मान लीजिए हमारे पास ज्ञान इंद्रियां ही हैं, तो ज्ञान इंद्रियां भी 5 तरह की हैं, ठीक है, देखना, सुनना, स्वाद, ठीक है, ये कुल मिलाकर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो यह जैव प्रक्रम को भी जब हम बांटेंगे तो 4 प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहला होता है पोषण। पहला जो पॉइंट है ये हमारा पोषण का है कि किसी भी शरीर को स्वस्थ रहने के लिए या जीवित बने रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, श्वसन की आवश्यकता होती है, वहन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का परिसंचरण की जरूरत होती है। और जब तीनों प्रक्रियाएं जब हो जाती हैं तो लास्ट में उत्सर्जन यानी के शरीर की उपापचय क्रियाओं के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बच रहा है, कचरा बच रहा है, वह शरीर से बाहर निकलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहते होंगे, तो सुबह उठकर आप ये देखते होंगे कि मम्मी, दीदी, घर का बड़ा बुजुर्ग या आप खुद क्या करते हैं कि घर में झाड़ू लगाते हैं। ऐसा सभी लोगों के घर में होता होगा, ठीक है। झाड़ू लगाने का मतलब यह होता है कि घर में उत्सर्जी पदार्थ जो है, जो किचन से कूड़ा करकट निकला है, बाहर आप के पैरों से या जो भी धूल मिट्टी आई है, झाड़ू के माध्यम से आप उसको, कचरे को बाहर निकाल लेते हैं। उत्सर्जन बेटा वही प्रोसेस है कि आपके शरीर में जो भी अवांछनीय तत्व हैं, जो भी शरीर को हानिकारक सब्सटेंस जो शरीर से निकलेंगे उनको हम बाहर निकालते हैं, वही हमारा उत्सर्जन कहलाता है। श्वसन प्रक्रिया आप जानते ही हैं, क्योंकि हम लोग श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। और वहन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हमने ये बता दिया कि श्वसन तो हम लेते हैं, लेकिन उन ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक कौन लेकर जाएगा, तो श्वसन के माध्यम से क्या होता है कि जो हमारे शरीर में खून रहता है, रक्त रहता है, ब्लड रहता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पोषण की। देखिए, पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब देखिए, भोजन को ग्रहण करना सबसे पहला कार्य क्या करते हैं कि जब हमको पोषण लेना होता है तो डॉक्टर भी कहता है कि आप खाना खाइए, ठीक है। तो भोजन को ग्रहण करना, ठीक है, जब भोजन को हम ग्रहण करेंगे तो पचे भोजन का अवशोषण होता है। जैसे कि आप लोग कोई लुकमा अपने मुंह में डालते हैं, उसको खूब चबाते हैं यानी मस्टिकेशन करते हैं, और मस्टिकेशन करने का मतलब यह होता है कि वह पार्टिकल जो होता है, जो आपका फूड होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, कणों में टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो शरीर के अंदर जब जाता है, पेट में, आहार नाल में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ठीक है, तो उसका अवशोषण कर लिया जाता है। और उसका अवशोषण कर इसलिए जाता है कि शरीर को जो भी तत्व की आवश्यकता होती है भोजन के माध्यम से मिल जाता है। तो भोजन को ग्रहण करने, पचे भोजन का अवशोषण, शरीर द्वारा अनुक्षरण यानी शरीर की मेंटेनेंस के लिए अति आवश्यक होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो डिफिनेशन बेटा आपको एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि भोजन को ग्रहण करना एवं पचे भोजन का अवशोषण शरीर द्वारा अनुक्षरण के लिए उसका उपयोग ही पोषण कहलाता है।
ठीक है। अब बात आती है पोषण के। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। एक होता है स्वपोषी, जो अपना पोषण खुद करे। जैसे जितने भी प्लांट हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी प्लांट हैं वह सभी कैसे हैं, स्वपोषी हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप लोग ये ना सोचिएगा अरे नहीं सर तो गलत बता रहे हैं, नहीं मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि अपना खाना तो मैं स्वयं बनाता हूँ। ये गलत बात है, क्योंकि जब भी आप मार्केट जाते हैं तो वहां से कुछ प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं। आप फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि पौधों से लिए गए जो भी पदार्थ हैं अपने किचन में ले जाते हैं, बनाते हैं और उनसे भोजन तैयार करते हैं। तो बच्चा समझिएगा कि स्वपोषी और परपोषी, ठीक है, स्वपोषण। आइए हम लोग देखते हैं कि पोषण के आधार पर इनका वर्गीकरण। बच्चों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पोषण के आधार पर हम दो प्रकार से जीवों को बांट सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है, पहला पॉइंट हमारा है स्वपोषी, ऑटोनॉमस। दूसरा होता है परपोषी, ठीक है। स्वपोषी जैसा कि शब्द में ही लिखा हुआ है, इसका मतलब, स्व का मतलब होता है सेल्फ, पोषी का मतलब पोषण करने वाला, ठीक है, अपना पोषण स्वयं करने वाला है को कहते हैं स्वपोषी। यानी कि इसकी परिभाषा बताई जाए बच्चों कि स्वपोषी किसको कहते हैं, यदि बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि पोषण का वह तरीका या पोषण की वह विधि जिसके द्वारा जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अजैव, ठीक है, सिंपल मतलब सरल अजैव पदार्थों का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करता है, उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। जैसा मैं डिफिनेशन आपको बता दूं कि स्वपोषण का वह तरीका या वह विधि जिसमें जीव अपने आसपास वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। अब कहेंगे सर ये सिंपल अजैव पदार्थ क्या है या सरल अजैव पदार्थ क्या है, तो यह समझ लीजिए कि जैसे CO2, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। H2O, ये तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं, मम्मी से मांगते हैं मम्मम दे दो मम्मम दे दो, तो यही मम्मम है जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति। इसके साथ साथ सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमको क्या देगा, तो यह हमको ऊर्जा देगा, जिसको हमने शॉर्ट में लिखा है SL, यानी सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण है हमारे हरे पौधे, जैसे आम को आम खाना है तो आम खरीद कर नहीं खाएगा, जैसा कि आम का सीजन चल रहा है बच्चों, तो कैसे ललचाई नजर से देखते हैं, अरे यार इतना है, इतनी आंधी उधी आने के बाद उसने अपना भोजन स्वयं बनाया है, उसको कहीं दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, उसको कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना रहा है। तो स्वयं जो अपना भोजन बनाएगा वह स्वपोषी कहलाएगा, और स्वपोषी जब कहलाएगा तो अपना भोजन बनाने के लिए सिंपल या सरल अजैव पदार्थों को उपयोग करेगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ठीक है, यानी जल, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, और कुछ खनिज लवण की उपस्थिति करता है, और अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी कहलाता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग परपोषी की तरफ। पर का मतलब पराया, पोषी का मतलब पोषण करेगा, जो मतलब ये हो गया कि आप निर्भर रहेंगे दूसरों पर। जैसे अभी आप लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो परपोषी हैं, अपने माता पिता पर, मम्मी फीस के लिए पैसा दे दो, मम्मी चाउमीन खाना है पैसा दे दो, मम्मी पेट्रोल भरवाना है पैसा दे दो, ठीक, मतलब आप डिपेंड है दूसरे पर। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब आप अपना पैसा कमाने लगेंगे तो आप भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो आइए अपनी डिफिनेशन पर चलते हैं और देखते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं, क्या है यहाँ पे लिखा है, स्वयं नहीं बना सकता, जिसमें अपना भोजन आप स्वयं नहीं बना सकते, बल्कि भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, क्या कहलाता है,
परपोषी कहलाता है। जैसे कि मानव आम का आम खाने का मन कर रहा होगा तो आप आम नहीं बना सकते, आप डिपेंड है मैंगो के ट्री पर, आम के पेड़ पर। आपका जामुन खाने का मन करेगा तो आप किस पर निर्भर करेंगे, जामुन के पेड़ पर निर्भर करेंगे। यहां तक कि यदि आपका मैगी चाउमीन बर्गर पिज्जा भी खाने का मन करेगा तो भी वो किस पदार्थों से बना होता है, पेड़ पौधों के उत्पाद से बना होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, परपोषी कहलाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल जैसे बंदर, बंदर क्या करता है अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। आप मंदिर में जाते होंगे, आपने सोचते हैं मम्मी कहती हैं बेटा केलों को मजबूती से पकड़े रहना है, केला लेकर भाग जाएगा। ठीक है, मानव कुत्ता, कुत्ते को भी लोग अपने घर में पालते हैं, उसका वह भोजन अपने लिए खुद नहीं बना पाता, मतलब कि दूसरों पर निर्भर रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा स्वपोषी और परपोषी में अंतर क्या होता है। आइए आगे चलते हैं और बारी बारी समझते हैं। बच्चों घबराइए मत, आपकी तैयारी इतनी अच्छी करा दी जाएगी कि आपको कहीं हिचकना नहीं पड़ेगा, झुकना नहीं पड़ेगा, दबना नहीं पड़ेगा। बस आप हमारे साथ लगे रहिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए। बच्चों आइए देखते हैं, हम लोग अभी आपने पढ़ा था स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी के लिए अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, तो अपना भोजन कैसे बनाएंगे, तो अपना भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में कहते होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण करना या बनाना। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। यह वह प्रक्रम है, इसके लिए यूज हो रहा है यह शब्द, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए सरल अजैव पदार्थों को संचित रूप से परिवर्तित कर देता है। यह पदार्थ कौन सा पदार्थ, सरल अजैव पदार्थ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और खनिज पदार्थ के रूप में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यह फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड H2O और खनिज पदार्थों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। और यह सारी अभिक्रिया कराई नहीं जाती, दरअसल यह क्लोरोफिल में होती है और यह क्लोरोफिल इन सरल अजैव पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यानी यह क्लोरोफिल सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड H2O खनिज पदार्थों और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल इन सब को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है और यही अभिक्रिया हमारी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब इस प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वह यह देखिए बच्चों कि 6CO2 प्लस 12H2O ठीक है कहाँ होगी, क्लोरोफिल में होगी, किसकी उपस्थिति में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी और ये बनाता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है और यही 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम लोग कहते हैं कि पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, यही ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। और 10th लेवल पे ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो यह ऑक्सीजन ऊर्जा आती है आपके इसी H2O से, इसी H2O की यह ऑक्सीजन होती है जो रिलीज हो जाती है। ये दरअसल आपसे नहीं पूछी जाएगी लेकिन नीट वगैरह के एग्जाम में ये पूछ ली जाती है कि यह ऑक्सीजन कहाँ से आती है। ठीक है, और 6 मोल ऑफ H2O रिलीज होती है। ठीक है, तो दरअसल यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको बता दें कि आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण और सरल अजैव पदार्थ कौन कौन से हैं, तो मैं उसको पॉइंट वाइज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको आप लोग अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, आइए बेटा देखते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है, मतलब रॉ मटेरियल क्या यूज होगा इसके लिए। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण को करना है यानी स्वपोषी बनना है, भोजन अपना स्वयं बनाना है, तो जो पौधा होता है उसको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो पहला चीज तो यह है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है, बिना सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया हो ही नहीं पाएगी। दूसरा होता है क्लोरोफिल, कहेंगे सर ये क्लोरोफिल क्या है, तो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ही पत्तियां हमको हरी दिखाई देती है। थर्ड चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कहेंगे सर ये कहां से मिलता है, तो यह आपके वातावरण में
यानी कि एटमॉस्फेयर में उपलब्ध है और पौधे इसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे कहां से लेते हैं? वायुमंडल से लेते हैं। और चौथा चीज है आपका जल, यानी कि H2O, और इसे पौधे क्या करते हैं कि अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी से अवशोषित करते हैं और इन चार चीजों को इकट्ठा करते हैं और अभिक्रिया होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सरल अजैव पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है और यह पूरी प्रक्रिया आपकी समाप्त होती है। अगले टॉपिक पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, रंध्र। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है जो हमारा वो है आपका रंध्र। क्या टॉपिक है? देखिए अगला टॉपिक है आपका रंध्र, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा स्टोमेटा। आज की वीडियो बस यहीं तक, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए हम आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लेके आते हैं। और हाँ, एक बात और, अभी आप तक ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए कि इस लॉकडाउन में सभी दोस्तों का जो कोर्स है वो पूरा होता चले, आगे उनको चल के कम से कम मेहनत करनी पड़े और अभी से वो अपनी तैयारी करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास खत्म होती है, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।